भाई फाइनली एंट्री दे ही दी है। ये भाई साहब अंडरग्राउंड सुरंग बना रखे, सीधा ताजमहल निकलेगी। जो दूसरा पत्थर है व्हाइट कलर का, ये है भैया जिसमें अपने अकबर बैठा करते थे। और शहजादा पार्थ, क्या हालचाल है शहजादे पार्थ? प्रजा को हाँ हेलो कर दो, प्रजा को अपनी। जी माते, फाइव स्टार होटल में आज तो फ्री में वो भी हैं। तो पापा ने तो आते ही तारक मेहता चला लिया टीवी में। और अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट घूमने, पर दिक्कत क्या, वहां पर मतलब लास्ट ब्लॉग में आपने पूरी स्टोरी देखी होगी, पिछले होटल में हमारा एक घंटा बर्बाद हो गया। और आगरा फोर्ट की टाइमिंग सिर्फ 6 बजे तक ही है, हालांकि है यहाँ से बहुत पास। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आधे घंटे में पहुंच जाए किसी तरह, क्योंकि 5:30 हो गए हैं। और पापा जान नहीं रहे क्योंकि तबीयत खराब है, तो रेस्ट कर लेंगे यहाँ। चलो फिर चले फटाफट, है ना, निकलते हैं। चलो चले भाई पार्थ, आ जाओ। चलो ना ना गाड़ी से निकलते हैं भाई। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है। 12 अगस्त 2022 में वो भी आगरा के कोर्टयार्ड भाई मैरियट होटल में। तो ये मेरी बहन वाला रूम है, साथ वाला ही हमारे बिल्कुल जस्ट, मम्मी पापा का बिल्कुल सेम सेम, मतलब मम्मी पापा का वहाँ है, बहन का यहाँ है, और मेरा एंड में है। चलो जी चलो चले फटाफट, हो गए तैयार फिर बेटे। 5-star होटल आज तो क्या बात है, इतना मेकअप क्यों ठूस लिया 5-star होटल के नाम पे है। देख रहे हो भाई साहब, रूम टूर मैं दूंगा आपको आके। अभी फिलहाल भाई निकलना है, बहुत लेट हो जाएंगे वरना। ये देखो भाई स्विमिंग पूल भी है, इतने लोग नहा रहे हैं, आज तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे सुबह जाके स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि 10:30-11 बजे चेकआउट करना है और दूसरे होटल जाना है। आज ताजमहल नहीं जा रहे, ताजमहल घूमेंगे हम कल। चलो पहन लो फटाफट, आ जाओ पहन लो जल्दी पहन लो, फिर 2 मिनट मार तो सही है। चप्पल की सैंडल नहीं लाया तू, ये तो झल्ला ही बन के आता है हर जगह जहाँ पे आ जाओ। माँ इसकी क्या ध्यान ही नहीं रखती, हर जगह तेरे को इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं फिर भी नहीं पहनता, पता नहीं। बस एंट्री मिल जाए भाई वहाँ फोर्ट में, वरना पोपट हो जाएगा अपना। चलो कोई नहीं, कल का भी दिन है, परसों भी आधा दिन है, तो अगर आज एंट्री नहीं मिली तो कल चले जाएंगे, बट अभी कोशिश जरूर करेंगे जाके। चलो मम्मी चलो, ताड़ो मत जल्दी। सही में भाई भूल भुलैया, इतने कमरे एक फ्लोर में, ऐसे गलियां गलियां निकल रही है जैसे शहरों में निकलती है अलग से। चलो जी चलो चलो, टाइम पास मत करो, बैच ही लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जल्दी आ गए बाहर भाई। अब गाड़ी का वेट करते हैं, जल्दी से आ जाए, टाइम ना लगे। आगरा फोर्ट यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, 10 मिनट का रास्ता, तो मेरे को लग रहा है पहुंचेंगे अभी, तो बिल्कुल करेक्ट 6 बजे पहुंचेंगे। अब एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं। यहाँ पे देखो मस्त फाउंटेन है, ये टूर दूंगा मैं आके, अभी बहुत जल्दी में इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा, आके दिखाऊंगा सब। थैंक यू भैया। इसका टैग हुआ टैग, यस सर, नंबर क्या है? 608 भी है, 607 भी है। तो जी पहुंच गए सामने, और जैसे अपने दिल्ली का लाल किला है वैसी ये आगरा फोर्ट है। अब पार्किंग भी मिल गई अपने को बिल्कुल फोर्ट के सामने। चलो जी लेट्स गो। और लोग जाने तो लग रहे हैं भाई अंदर, अब पता नहीं हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखी जाएगी वो तो। चलो 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 जल्दी उतरो, फटाफट चलते हैं भाई। तो अभी एक गाइड से बात हुई है, वो कह रहे हैं 6:30 तक जाने देंगे, और पानी की बोतल ले जाना अंदर। भैया एंट्री कितने बजे तक देते हैं? अभी कितना टाइम है? 6 बजे है। 6 बजे या 6:30? 6:30 तक जाने, 6:30 से आपको 7:30 बजे तक जाने। अच्छा आ सकते हैं ना 7:30 तक? 7:30 बजे ना, पानी दो पानी की दे दो ठंडी बोतल। भाई साहब बहुत अंधी भीड़ है, देखना ठस भरे पड़े, और यहाँ तो है ही अंदर एंट्रेंस में और भीड़ है। तो भाई फाइनली एंट्री दे ही दी है, बंद होने वाला था वैसे तो खैर, बट वो कह रहे फिर भी आप चले जाओ कोई नहीं आ जाओ। तो अभी भाई एंट्री देने से मना कर दिया था, बट बाद में फिर 15-20 लोग ही थे, तो उन्होंने कहा जाओ जल्दी से। तो अपने को एक घंटे का टाइम है, 7:30 तक हम घूम सकते हैं आराम से। और यार गाइड बहुत पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पर, अभी बताऊंगा आपको पूरी स्टोरी। और बढ़िया सब, पानी की बोतल हमने बाहर से ले ली, और अच्छा भाई बिसलेरी की बोतल भी 20 की मिली है, एक्स्ट्रा नहीं लिए, वरना ऐसी ज्यादातर टूरिस्ट जगहों पे थोड़ी चीजें महंगी मिलती है। सेम दिल्ली का जैसे लाल किला ना भाई वैसी बना हुआ है, बट वही है थोड़ा बड़ा है उससे, एक्चुअल में थोड़ा नहीं ज्यादा ही बड़ा है उससे। ये देखो भाई यहाँ पे मस्त बीच में खड़ी होकर हम फोटो खिंचवा सकते हैं, बैकग्राउंड में ये आ जाएगा, अच्छी लगेगी। चलो आप फोटो खींचे पास। हमने गाइड ले लिया है, थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे, जैसे वहाँ पे वो सामने आप देख रहे हो तोप रखे होते थे अगर अटैक करे एनिमी, और ये जो नालियां बनी होती थी यहाँ पर भाई गर्म तेल घेर दिया जाता था, जिससे ये वाले जो वेंट है इससे उस तरफ वहां पर पूरा का पूरा ना गीला हो जाए, तेल से फिसलने वाला, ताकि एनिमीज जो आ रहे हैं वो आ ना पाए, है ना पार। बाकी वो वाला रास्ता जो था ऐसे स्लोप डिजाइन में है, और ऐसे स्टेप्स बने हुए छोटे छोटे, ताकि घोड़े के जो मतलब पैर है वो फिसले ना। तो गाइड आपको चीजें बता देते हैं काफी हद तक बढ़िया बढ़िया सी, बट पैसे आपको बताऊंगा कैसे सस्ते में ले सकते हो। क्या ये जहांगीर का नहाने का बाट टब? अच्छा बाट टब। जहांगीर के मामा मानसिंह ने 50 किलो सोना लगा के दिया। बाट टब है भाई साहब, कितना टन? 50 किलो। 50 किलो सोना इस पे साइड में? अच्छा तो इसको निकाल के ले गए थे 50 किलो सोना। चलो तो अभी समझाते हैं पहले वो चीजें समझो। गार्ड कह रहे जल्दी चलो बंद होने वाला है, गाइड जो कह रहे वो आधे घंटे में घुमा देंगे पूरी चीजें दिखा के।
200 रुपए में ओनली। तो यहाँ से अपनी एंट्रेंस अंदर जाने की, सब दरवाजा देखो कितना ऊंचा, कितने फीट का दरवाजा है ये, साला 16.5। अच्छा ढोल सेनाई, हाँ यहाँ बैठते थे, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अब देखो यहाँ पे बैठते थे शहनाई बजाने के लिए। भाई सब कितने बड़े बड़े महल होते थे ना, अंदर ही अंदर गुफाओं में निकल निकल के बंदे को एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, चलते चलते ही हालत खराब हो जाए। ये देखो ओए होए, इतना बड़ा आंगन है ऐसे, क्या बात है भाई, ऊपर मेरे ख्याल सेना खड़ी होती होगी प्रोटेक्शन वाली। डांस में लेडी डांस हिंदी में मेरा कहते रंगमहल, सामने जहांगीर बैठते थे, यहाँ पर लड़कियों को नाच होता था, ऐसे दासियां फूल बरसाती थी ऊपर से। अच्छा देखते थे क्योंकि रानी को बाहर आने परमिशन नहीं थी। कितनी रानियां थी टोटल, 750 रखी थी। डाइनिंग हॉल है, इसके पीछे किचन है, मतलब यहाँ पे डांस होता था, वहाँ जहांगीर बैठते थे। ये किचन है, खाना बनता था 400 आदमी का, 400 आदमी का किचन में खाना। अच्छा ये क्या सर्वेंट वो है, ये किचन का स्टोर रूम है, डोर नहीं था, डोर डुप्लीकेट है, किचन का स्टोर। अच्छा डोर बाद में लगा है ये, यहाँ पे सारे दास दासियाँ रहते थे, सर्वेंट्स मतलब। दे रहा है भाई यहाँ तो पूरा, तो लाइट वाइट कुछ नहीं है देखो, उस टाइम पे तो पता नहीं, नहीं उस टाइम पे कहाँ लाइट होती थी, उस टाइम तो वो मोमबत्तियाँ वो सब था, फुल टाइम लाइट नहीं थी, लाइट कूलर पंखे नहीं चल रहे थे, छत पे टैंक था, टैंक में पानी भरा रहता था, उसके अंदर पानी छोड़ते थे, दोनों दीवारों के अंदर बीच में गैप है। अच्छा ठंडा कुछ से होती थी, पानी रहता था, रूम ठंडा रहता था, एयर कंडीशन एसी रूम। हाँ सही है, इसके ऊपर टैंक होता था, वहाँ से पानी आके यहाँ पे आता था, और जिससे कि दीवारें ठंडी रहती थी। सही टेक्नोलॉजी थी। ताजा की वाइफ थी मुमताज, उनकी दो बेटी थी, बड़ी बेटी जहाना रहा, छोटी बेटी रोशना रहा। अच्छा उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं की, इसलिए हम शादी करेंगे किसी सामने सर झुकाना पड़ेगा। उनकी बेटियों की तमन्ना थी डोली बैठने की, पाल की, तो उनका बेडरूम डोली बना दिया, इसके नीचे बैठी रहो, किसी सामने झुकेंगे नहीं, बेडरूम ही डोली की तरह बना दिया, तो शादी नहीं करनी थी उनको, इसलिए भाई साहब डोली जैसा बाथरूम। ये देखो भाई साहब कितना, ये वाला एरिया और वो वाले एरिया में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहाँ रहते थे सर्वेंट्स और यहाँ पे उनकी बेटियाँ रहती थी। वो देखो भाई यमुना नदी है वो, और वो रहा ताजमहल वो भाई साहब। अच्छा शेर यहाँ रहते थे और मगरमच्छ वहाँ। अच्छा वहाँ पानी था, यहाँ भी पानी था, ये जंगल था सामने जो पेड़ है ना यमुना नदी पर। हाँ हाँ अच्छा वहाँ पर सामने, इसी में लुट गया था है ना, काफी काफी खर्चा हो गया था यहाँ पे भाई साहब। शेर होते थे, ये रही एक शेर। वो दीवार ठंडा रखने वाली टेक्निक बड़ी सही लगी भाई साहब, नेचुरल एयर कंडीशनर। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, दीवारें मतलब जो सीलिंग हाइट थी वो कितनी ऊंची हुआ करती थी, और ये देखो ये हुक लगे है ना, इसमें झूमर लगे होते थे शायद उस टाइम पे, और कितना ह्यूज सा लगता था, सोचो इतने में हमारे घरों की 3 फ्लोर बन जाए। ये शाहजहां का बेडरूम था, यहाँ पे हीरे लगे हुए थे, वो झूमर। अच्छा दूसरी वाइफ का नाम है अंगूरी बाग, मुगल टाइम पूरा बाग था अंगूर का। अच्छा अंगूरी बाग है और एक खास महल है। तो यहाँ दरवाजे नहीं थे बेडरूम में, पर्दे लगा, यहाँ पे उनकी दूसरी वाइफ रहती थी सामने। ये दूसरी डोली है, डोली क्या दूसरी, दो बेटी थी। अच्छा एक उनकी, अरे अच्छा दो बेटियां थी, एक यहाँ रहती थी एक उस वाली डोली में, ठीक है। दूसरी डोली है, ये बड़ी बेटी साइड में छोटी। इनका नाम क्या था यहाँ पे, जनारा और रोशनारा। ऊपर जाने का रास्ता देखो छत पे, ये एरिया कितना आपको लगेगा ना प्रीमियम फील देगा। फिर से क्या कह रहे हो, औरंगजेब ने अपने पिता को 8 साल कैद में रखा था, ये जेल था ये, यहीं से बैठ के साजन ताजन देखते थे। अच्छा अंदर जाना बंद कर दिया, स्टोन लगा ना ये वाला स्टोन। हाँ इसे पब्लिक गाल के लिए जाती है, पब्लिक की अंगूठी में डालने वाला स्टोन है। अच्छा ये अभी भी लगा हुआ है, ये फुआरा चलता था पानी का, फुआरा फुआरा था यहाँ पे, ये साजा का टॉयलेट है जो बंद है। अच्छा तो यहाँ पे कुछ जेल वेल तो है नहीं, इससे जेल नहीं, हमारी फौरी नजर में जेल नहीं था, नजर बंद था वो। अच्छा मतलब निकल नहीं सकते थे, यानी घर से बाहर नहीं, बट वैसे दरवाजे दरूजे कुछ नहीं थे। ये सही है भाई, जगह जगह डस्टबिन रख रखे ताकि जो भी बोतल वोतल फेंकनी है इसी में फेंको, गंद ना मचे यहाँ। ये भाई साहब अंडरग्राउंड सुरंग बना रखे, सीधा ताजमहल निकलेगी वो भाई साहब, ये देखो। अच्छा पानी है इसके नीचे, नाव से उस वक्त भाई जो सीधा ताजमहल यहाँ से, सही जगह है, और ये ऊपर जाने का रास्ता। आजो भाई आजो आजो, उनके पापा को जहाँ पे जेल पे रखा था उनकी ये प्राइवेट मस्जिद थी, मतलब यहाँ पे नमाज पढ़ने आते थे सीधा नीचे जेल से। ताजा तू आगे रह साथ साथ, भटक मत इधर, भागा मत कर। ये वापस से हम ओपन एरिया में आ गए, मतलब कितना बड़ा महल था भाई, रात को तो ऐसे भूतिया सी फीलिंग आती होगी। और ये रेलिंग बहुत छोटी है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से। ये जो एरिया भाई इसे कहते हैं दीवाने खास, जितनी भी बड़ी मीटिंग्स होती थी वो सब यहाँ होती थी, अगर मौसम साफ है, और अगर मौसम साफ नहीं है तो अंदर हुआ करती थी। यहाँ पर टोटल 2 पत्थर है, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप के बने हुए हैं। एक ये काला पत्थर है, यहाँ जहांगीर बैठा करते थे मीटिंग में, और ये पत्थर गिरा टूटा था, एक तोप का गोला आया था इस पे लगा,
फिर यहाँ से लग के रिफ्लेक्ट होके वहाँ चला गया। वो छेद हो रहा है ना देखो उसमें। ये जो दूसरा पत्थर है व्हाइट कलर का, ये है भैया जिसमें अपने अकबर बैठा करते थे और बीच में यहाँ पर पूरी मीटिंग होती थी। वो पत्थर जो है ना काले वाला, वो है जिससे सोना चेक करते हैं ना उसकी ओरिजिनलिटी का, वही वाला पत्थर है ब्लैक कलर वाला। यहाँ से भी देखो वो रहा सामने ताजमहल दिख रहा है, कितना मस्त है भाई। कल तो हम देखेंगे जाके सामने से, तुमने तो देखा हुआ है ना, आए हुए तुम। गार्डन कितना बड़ा है ना यहाँ पे भाई साहब, ये मतलब कैमरा में समझ नहीं आ रहा होगा, ये एरिया बहुत बड़ा है। मतलब आप समझ लो उस एक लाइन में ही 20-25 कमरे है टोटल, फिर ऐसे इधर भी है उधर भी है, कितने ही कमरे है भाई, बहुत बड़ा महल है। और भीड़ का अंदाजा अब आपको हो जाएगा सामने देख के, जबकि अभी क्लोजिंग टाइम है। सोचो शाम को 4-5 बजे क्या तगड़ी भीड़ होगी। और ये जो आप छेद देख रहे हो ना, ये मशाल लगती थी उस टाइम पे यहाँ से वहां तक पूरी, ये पूरा कंप्लीट। अब भाई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खाली करवा रहे हैं, सीटी मार मार के कि निकलो। तो जोधा अकबर जो मूवी आई थी उसमें ये वाला सेटअप यूज हुआ था, वहाँ ऋतिक रोशन और यहाँ बीरबल। अच्छा अकबर बीरबल वाले में कौन सी मूवी थी, क्या जोधा अकबर हाँ। दीवाने आम, इनमें से रानिया बेगम देखती थी वहाँ बादशाह, ये वो क्या था, घंटा। अच्छा वीआईपी बैठती थी नीचे लोकल पब्लिक। अच्छा तो ये मतलब लोकल पब्लिक के लिए था, ऊपर वाला प्राइवेट था। तो जब कोई प्राइवेट मीटिंग होती थी तो ऊपर होती थी, और जो पब्लिक मीटिंग होती थी प्रजा की वो यहाँ होती थी। पहले के जमाने में छत कितनी ऊंची ऊंची करते थे ना, देखना हमारी सही में 3 फ्लोर बन जाए जितने में ये इतनी ऊंची कर रखी है। ऊपर बादल देखो क्या सही लग रहे हैं, बारिश आने वाली है लग रहा है तगड़ी वाली। देखना वो पीछे की साइड मस्जिद है, मोती मस्जिद, बंद है अभी कह रहे। वो पीछे व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना आपको, वो अब यहाँ से मेरे ख्याल एग्जिट हो रही है बस। हाँ और शहजादा पार्थ, क्या हाल चाल है शहजादे पार्थ। प्रजा को हाँ हेलो कर दो, प्रजा को अपनी मैंने कहा अपनी प्रजा को हेलो कर दो, सबको हेलो कर रहे हैं शहजादे पार्थ। हाँ क्या कह रहे हो हैं बताओ। रानी बाला वैसे अच्छा है, पापा नहीं आई इतना चलना पड़ता, वैसी तबीयत खराब थी। कल ताजमहल देखने चल देंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी ना। चलो जी टूर कंप्लीट हो गया, यहीं से एंट्री ली थी, यहीं से अब एग्जिट लेके जा रहे हैं। साइड की स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं गाड़ी में जाके। देखो ये एरिया कह रहे थे मैं, ऐसे स्टेप से बने हुए ना ताकि घोड़ों के पैर ना फिसले, इसलिए बनाए गए थे। और तेल निकलता था यहां से, वो जो गरम तेल मैं बता रहा था ना दूसरी साइड, यहां से जाके ये पूरा एरिया गीला और स्लिपरी हो जाता था, ताकि दुश्मन जब अटैक करे तो सीधा फिसलते हुए जाए। समझ गया शहजादा पार्थ। तो अभी जीजू कह रहे हैं कि यहाँ की भी ना वैसे टिकट थी, बट अभी फ्री कर रखा है, हमारी कोई टिकट नहीं लगी। तो आपको आइडिया हो इस चीज़ का तो बताना है, और कितना रुपया होगी, तो 50-60 रुपए ही होगी टिकट, पर हमें हमारी फ्री हुई है 6 बंदों की आज। क्या हाँ सही बात है, किस्मत चमक गई, होटल भी 5 स्टार फ्री, यहाँ भी फ्री, अब कल ताजमहल और फ्री मिल जाए टिकट, है ना। ताज भी फ्री है कर रखी है अखबार में, फ्री हो सकता है भाई 15 अगस्त तक फ्री कर रखो, क्योंकि अपने देश आजाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब ये 75वां साल है। सही है भाई, मस्त टाइम पे आया, बस वो ये भीड़ बहुत है फ्री के चक्कर में, अब तो बंद हो गया ना, जब तुम शाम को आते बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। शहजादे पार्थ कहाँ भाग रहे हो हैं, ऐसे शोभा नहीं देता शहजादे पार्थ। लो जी आ गए हैं अब हम बाहर, और चलते हैं सामने। ये देखो भाई बुकिंग काउंटर तो है यहाँ पे, मतलब टिकट तो है पक्का, ये लिखा ना हाँ 40 रुपए है ये देखो भाई, बट अपनी फ्री में। इसके जस्ट सामने ही पार्किंग बनी है जहाँ पे हमने पार्क करी है गाड़ी, 100 रुपए लिए हैं पार्किंग के, और वहीं पे खाने पीने के भी। तो यहाँ पे ये ई रिक्शा वाले भैया मिले हैं, ये कह रहे हैं 10 रुपए सवारी लेंगे, और आपको मीना बाजार, और कौन सा भैया मीना बाजार और लेदर हाउस, दो जगह घुमाने ले जाएंगे और फिर यहीं आके छोड़ देंगे पार्किंग के पास। 10 रुपए सवारी ना ये बच्चों की कोई। चलो जी बैठते हैं। सही है यार, वैसे इतना अपना गाड़ी लेके कहाँ ट्रैफिक में भटकेंगे। हाँ वही तो, और मीना बाजार एसी वाली मार्केट है, एसी मार्केट है आराम से। तो आप रुकते कितनी देर हो फिर, जब तक आप बाहर नहीं आए हो यहाँ छोड़ेंगे, जब पैसा लेंगे आप। अच्छा अच्छा वेट करोगे, चलो मैं आगे आ जाऊँ, मैं वीडियो बना लूंगा ना। लो जी मैं तो आगे बैठ गया, और 7 बज गए हैं लगभग, 7:15 ही हो गए। कितनी दूर है यहाँ से, अरे जी पास ही है। 5 रुपए पूरा भाई आर्मी एरिया है। और भैया बता रहे कि हमने जो किला देखा है ना वो 20% देखा है, 80% आर्मी के अंडर है, वो जाने ही नहीं देते वहाँ। नहीं, हाँ तो सोचो इतना बड़ा जो देखा वो सिर्फ 20% था, अभी 80% और कितना बड़ा होगा वो किला। पूरा किला 2.5 किलोमीटर की एरिया हमारा, 2.5 किलोमीटर हो भाई साहब। चलो भाई आ गए, ये मीना बाजार है से पहले मून लाइट ताजमहल देखना आप। हाँ। अंदर ही पूरा रहता है। ठीक है, अंदर ही अंदर निकल जाएंगे। चलो जी हम यही वेट करेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे भाई ताजमहल पसंद आए थे, ये सबसे छोटा साइज बड़ा ले लो,
मेरे को चाहिए था ना ताजमहल, तो एक वैसे ही रखना था मेरे को। इसके अलावा ये देखें, ऐसा एक कैंडल होल्डर, वो भी कैंडल लगाओ अगरबत्ती लगाओ। अच्छा क्या चीज़? ना ना हो गया, चलो चलो जी हो गया है शॉपिंग जो थी। यहाँ से अंदर ही अंदर चार पांच दुकानें थी, मैंने एक ताजमहल लिया है और मम्मी ने एक चप्पल लिया लेदर की, दो चीजें लिया। ये लेदर मार्केट भी यही थी? नहीं वो अलग है, लेदर का नहीं, लेदर तो नहीं जाना, चलो वापस ही चलते भाई। बहुत चल चल के हाँ देख लिया, यहाँ भी लेदर तो यहाँ भी था, हमें लेना नहीं है, मैं तो सपोर्ट करता भी नहीं लेदर को ज्यादा, मम्मी ने लिया मैं। और वो देखो भाई फोर्ट के बाहर लाइटें लगा दी है और मस्त तिरंगा सा बना दिया है अपना, है ना। हाँ लाइट वाइट सब बंद होगी भाई अचानक से, अभी यहाँ पैटीज मिल रही है 20 रुपए की, वो खा रहे हैं। नहीं ले ली, तूने थोड़ी खानी है, लाओ भैया थैंक यू। एक मिनट पहले खा ले, देखते हैं कैसी है। नहीं रख लो अभी, रख लो, देखो ट्राई करो, अच्छी है तो ले लो, ले 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 टेस्ट कर तू, करो और लूंगा ना फिर ट्राई करो पहले कैसी है। गरम अब तो कहीं होगी, एक ही ले ले, एक में से सारे खा लो। अच्छा तो अभी होटल जा रहे थे, एक ये चीज मिली है मक्खन तरबूज, अब एक प्लेट लगवाइए 10 रुपए की, देखते हैं कैसा है। अरे तो जरा सा बिल्कुल टिड्डा सा, असली तरबूज है क्या है ये? मिठाई रहती है यहाँ की। अच्छा मिठाई है कोई, खाओ देखो कैसा, अभी कुछ अलग सी चीज है, ट्राई करते है भाई। टेस्टी है भाई, देखो जी जिसको खानी है और लूंगा फिर। मम्मी को देख, बढ़िया लग रही है काफी। किस चीज का बना है ये? दूध और मक्खन का है। दूध और मक्खन, ये शेप उसमें है तरबूज की, असली तरबूज नहीं है, मिठाई है ये। दे देना भैया चार और दे दो। तो भाई चार प्लेट ले लिया, पापा के लिए सोच रहे थे पहले ले चले, फिर कल आना ही है वापिस से, तो मैंने कहा कल फ्रेश ही खाएंगे, क्योंकि ये कह रहे मक्खन पिघल जाएगा अगर अभी नहीं खाया तो। जल्दी से खा लो, देखो ना पूरा भाई तरबूज लग रहा है, अच्छा लगता है तेरे को, गोबर खिला दो बस वो अच्छा है। चलो चलो होटल चलते और वहाँ पे ऑर्डर करते खाना। और भाई आगरा में प्रॉपर मेट्रो लाइन बिछ चुकी है देखो, मतलब अभी चालू नहीं हुई है, स्टेशन वेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हो सकता है 2-3 साल में यहाँ पे पूरा अच्छे से मेट्रो का ना नेटवर्क बन जाएगा। चलो चलो आ जाओ, पहुंच गए जी अपने होटल हम। चलो जी चलो, भूख लग रही है सबको तगड़े वाली, और यहाँ पे लिफ्ट में जिस फ्लोर पे जाना है कार्ड लगाना पड़ता है, तभी वो फ्लोर एक्टिव होती है वरना नहीं। चलो जी, और ऐसे देखो ये बने हुए कि यहाँ से इतने रूम नंबर, यहाँ है स्पा भी है, जिम भी है, उधर जिम है, हाँ सब कुछ है भाई, स्पा फ्री नहीं है, पेड सर्विस है ना, तो जाके महंगे होते हैं वही है ना, अगर स्पा फ्री देंगे तो लोग पूरा दिन फिर यहीं पड़े रहेंगे कि मसाज करते रहो 2-3 घंटे की, वो इतने महंगे होते हैं वैसे। लिमिट सेट कर दो या तो वो है, फिर लिमिट हो गया, यही है ना। पापा तो अंदर है, आज भाई चल चल के हालत खराब हो गई, ना ना पापा का अंदर ही है ना कार्ड, एक कार्ड से तुम्हारे साथ वाला, जाओ जाओ जाओ, खुल गया खुल गया। चलो जी चलो बापू जी, ओ भाई सब चीज लो रखे अंदर तो सारा। ये देखो भाई इसमें तो ताजमहल उन्होंने पैक करके दिया, जो हमें मिला है 1250 रुपए का रियल मार्बल, उन्होंने बोला अब है नहीं है मुझे नहीं आइडिया, बाकी उन्होंने वहाँ प्रूफ दिखाए थे रियल और फेक के बीच में, अब उसी हिसाब से तो ये रियल है। और एक मम्मी के लिए लेदर की चप्पल की तरह की 750 रुपए है ना। तो असल में सीन क्या था, वो जो रिक्शे वाले भैया थे उनकी सेटिंग होती है दुकान वालों से, तो जहाँ पर वो लेकर गए वो मीना बाजार, मतलब ऐसे ऑफिशियल मीना बाजार नहीं है। आ जाओ जी आ जाओ भाई साहब, आइए घुसिए। वो एक्चुअली किसी बंदे ने ही प्राइवेट में ही अपना ही एक अंदर बाजार सा बना रखा है, मतलब जूते चप्पल बैग है, मोन्यूमेंट्स सोविनियर्स सब कुछ है, उसके बाद चादरें साड़ियां, तो इसलिए वहां पे उनका रिक्शे वालों का, हमने रिक्शे वाले भैया से पूछा भी, कह रहे हाँ हमारा 2% कमीशन होता है जो भी आप लोगे उनसे, मैंने ठीक है, और रेट इतने महंगे लगे नहीं ठीक थे तो मैंने ले लिया। अब खाना ऑर्डर करते हैं भाई, फोन कहाँ है, मेन्यू कहाँ है, मेरे ख्याल इसको स्कैन करने से आ जाएगा। तुम तो नॉन वेज ही खाओगे है ना, फाइनली सावन कल खत्म हो गए, एक महीने बाद बिरयानी खाने को मिलेगी, फाइव स्टार होटलों की तो बिरयानी वैसी इतनी टेस्टी होती है। हाँ रूम में आ जाएगी, हाँ अपना रेस्टोरेंट होता है ना इनका, होटल में रू कमरे में ही दे जाएंगे सब कुछ जो खाना, मेन्यू होगा ना यहाँ का, ये रहा मेन्यू है, इसमें से जो भी ड्रिंक्स भी दे देते हैं, ड्रिंक्स भी कुछ मंगवानी हो, बियर वियर अगर, महंगी तो होगी सब कुछ यहाँ। और आपको फटाफट से गाइड का सीन बता दूं, देखो जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट में जाओगे ना वहाँ पर वो अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेट है 2500 रुपए, तो हमने कहा नहीं चाहिए इतना महंगा गाइड, तो चलते चलते वो हमारे पीछे पड़ा रहा भाई गेट तक, करते 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 पता है कितना रुपए में, 200 रुपए में मान गया, सिर्फ 200 रुपए में, मतलब 100 रुपए भी कोई देगा ना बंदा मान लेंगे भाई वो, पर आप सोचो भाई 2500 रुपए से 200 रुपए में, तो हमने फिर भाई 200 रुपए में थे, अच्छी डील थी, हम 5 लोग थे, 5 मतलब 200 रुपए में 5 लोगों को उनने गाइड दे दी पूरी, और गाइड ले लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट है, क्योंकि भाई एक एक चीज आपको समझा देते किले के अंदर की क्या कहाँ पर मतलब क्या हुआ था, तो मजेदार। कल हम ताजमहल जाएंगे वहां भी ले लेंगे, बताएंगे वही 2500 रुपए वर्ट, वही 200-300 रुपए में मिल जाएगा। पहले हम 100 रुपए में क्या, पहले मैं आई थी, 100 रुपए में
100 रुपए में। हाँ क्या कह रहे हो? ताजमहल की टिकट फ्री है तो 5 तारीख से सारी टिकटें फ्री कर रखी है पूरे। भीड़ नहीं होगी? भीड़ तो होगी, अब क्या करे। ताजमहल की, लाल किले की, मतलब फोर्ट वोट की, हर जगह की टिकटें फ्री। बहुत भीड़ थी और हम जबकि एंड टाइम था फिर भी, पर ये है फ्री है भाई टिकटे। 15 अगस्त तक आना है तो आप आओ मस्त फ्री में घूमना। भाई साहब खाना तो बहुत महंगा है, अभी ऑर्डर करा है हमने दाल तड़का 625 रुपए की, बट मेक माई ट्रिप वालों ने हमें 20% का डिस्काउंट कूपन भी दिया है खाने पे, मतलब जो भी खाना हम मंगवाएंगे उस पर 20% ऑफ मिलेगा। बट फिर भी भाई दाल तड़का 500 रुपए की, जहाँ 50 रुपए की मिल जाती है ढाबों पे। हाँ फुल के रोटी है भाई साहब, रोटी 195 रुपए का तवा परांठा भाई साहब। अब साइज देखना है, अगर बड़ा होगा तो ठीक है, अगर वो नॉर्मल परांठा हुआ 195 रुपए तो खल्ला। लो जी खाना आ गया हमारा, दाल राइस, ये होगा पिज्जा शायद से, जी हाँ पनीर टिक्का पिज्जा, इसमें मेरी चिकन बिरयानी और रोटी का है। अच्छा ये रोटी अरे छोटी है भाई, रोटी तो बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। चलो चलो कोई नहीं, पापड़ दिए। जितने भी 4-5 स्टार होटलों में बिरयानी खाई है ना भाई, हर जगह टेस्टी होती है। रायता लेना पापा, और नॉन वेज वाले हम यहाँ खा रहे हैं, बाकी वेज वाले जो थे वो जीजू के रूम में गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रात को भाई खाना वाना खा के सो गए, कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इतना थक गए थे। रवि पापा के लिए ना डोसा मंगवा लिया मैंने, मसाला डोसा, जो की दवाई खानी है। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था और यहाँ खाने का मतलब भी नहीं बनता भाई, इतना महंगा सब कुछ, तो सोचा बाहर जाएंगे अब चेकआउट करके और तभी खा लेंगे। प्लस आज के लिए भी होटल ढूंढना है, ताजमहल वगैरह घूमेंगे ना, आज रात को भी यहीं स्टे है। आज मेरे साथ सोया था, कैसा लगा, मजा आया? कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, बढ़िया एक्सपीरियंस था जी तुम्हारा। बढ़िया रूम क्या? बढ़िया। हाँ मेरी बस खाने का महंगा, खाना तो भाई वो भी हो गई महंगा। बाकी मेरे वाले रूम से पीछे देखो बच्चों का वो है झूला वूला लगा। लो जी पापा भी आ गए। हुई तुमने रात को खाई नहीं होगी दवाई है ना, नहीं खाई थी ना? जब भी सांभर है, आलू की सब्जी दी है, डोसा। हाँ रात को खाना कैसा लगा था यहाँ का? टेस्टी था है ना, सही था खाना, पर वो ये महंगा ज्यादा था। टेस्ट सही था ना जीजू खाने का? हाँ इसे देखो, इसे नानू के लिए मंगवाया, वो हम तो खाएंगे अभी चल के। अभी फटाफट से रूम टूर दू, यहाँ पर एक भाई बैठने के लिए सोफा सेट है, वो लाइट है, मिरर लगा हुआ है, बेड यहाँ पर सिंगल सिंगल वाले दो है, दो रूम्स में ऐसी थे और जीजू वाले में एक ही डबल बेड था, बीच में टेबल दिया हुआ, लाइट है, लैंडलाइन है, लैंडलाइन दो है भाई यहाँ पर, एक ये है और एक उधर भी है सेम, देखो तो आप फोन वोन यूज करना हो तो। बाकी ये बैग पूरा ऐसी है, ये गेट है दूसरे कमरे का, अगर मतलब किसी को दो ज्वाइंट रूम लेने हैं तो है। यहाँ पर टीवी लगा हुआ है एक, इधर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसी है, यहाँ सामान रख लो। यहाँ एक अलमीरा जिसके अंदर फ्रिज लगा हुआ है जो खाली है, मतलब पानी पानी है इसके अंदर। इधर की साइड में अपना वॉशरूम है, ये बटन देखो कैसे है, तो अच्छा है वॉशरूम, साफ सुथरा वॉशरूम है, ये नहाने का अपना, बाकी ये रहा। और इधर है अपना यहाँ पर एक सेफ, चप्पल वप्पल और इस्त्री स्टैंड और प्रेस दे रखी है। बाकी ये एंट्रेंस है, मिरर मस्त है भाई, एकदम लाइट वाइट लगा रखे, तगड़ी सी देखना क्या मस्त एंगल एंगल, मतलब क्या मस्त फ्रेम आ रहा है। कल मैंने चेक किया था यहाँ का 24,000 में तीन रूम दिखा रहा था, आज चेक करा 45,000 रूपए के दिखा रहा है यही तीन कमरे, सेम टू सेम कमरे, 12,500 रूपए का एक, 12,000 नहीं 15,000 रूपए का एक। और इनका खाने का सिस्टम क्या है, जैसे दूसरे होटल में तो आप चेकआउट के टाइम पे बिल भर सकते हो ना, ये हाथों हाथ यहीं पे ले लेते हैं बिल। और कल यहाँ पे आगरा में कोई पेपर है संडे को शायद से, इसलिए आज भीड़ है और होटल्स भी काफी भरे हुए, बट इतने होटल है भाई मिल ही जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं है। और चेकआउट टाइमिंग मैंने पूछी 12 बजे किया, तो अभी हम 10:30-11 बजे निकल लेंगे, सब तो रेडी है, मेरा ही रहता है नाना बस, तो हो गया। हाँ उठ गया, ठीक है चलो चलो जी, फिर इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में ताजमहल दिखाएंगे आपको और भी एक दो चीजें है घूमने वाली वो दिखाएंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।